Hello everyone, our today's topic will be sequence and series. Give the heading sequence and series. मैं यहां पर अभी दो चीज लिख रहा हूं, 2, 4, 6, 8 और सीरीज में मैं लिख रहा हूं 2+4+6+8। दोनों में क्या फर्क समझ में आया आपको? मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं 2, 4, 6, 8 और सीरीज में मैं लिख रहा हूं 2+4+6+8। बताइए, क्या मैं सीक्वेंस को बोल सकता हूं कि दिस इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, दिस इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच फॉलोज अ पर्टिकुलर रूल? देखिए, गैप 2 का गैप है 2, 4, 6, 8, हाँ या ना? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने, 5, 10, 20, 40 और यहां 5+10+20+40। अब बताओ, इज सीक्वेंस क्लियर? जरूरी नहीं है कि जो रूल है वो कांस्टेंट डिफरेंस का ही हो। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस था, द डिफरेंस वॉज कॉमन। और दूसरे वाले में क्या दिख रहा है, देयर इज अ कॉमन रेशियो। सीरीज इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज सीरीज। So have you understood the difference between sequence and series? पहले ये बताइए। देखिए, अगर आप नहीं बोलेंगे तो there is no point doing the classes. आपको थोड़ा active होके बोलना पड़ेगा मेरे को। तो sequence and series के बीच में आपको difference समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर दो शब्द और लिखूंगा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब आप बताइए क्या होता है इसका मतलब, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? भैया ये काउंटेबल है, एंड दिस इज Not countable, uncountable. इसमें n का वैल्यू आएगा और इसमें n का वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है,
तो इसी चीज से एसोसिएटेड वी कॉल समथिंग एज प्रोग्रेशन और तीन टाइप का प्रोग्रेशन होता है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। इसमें कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें कॉमन रेशियो होता है और हार्मोनिक मीन में शायद रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स आर इन एपी। सही लिखा हूं क्या मैं? थोड़ा गाइड करिए मेरे को आप लोग। हैव आई रिटन करेक्ट, यस और नो? यस, यस सर। सही लिखा है मैंने। ठीक है, तो सर कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? एनी टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म। सर कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? एनी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीसीडिंग टर्म। इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एक चीज जो आपको मैं समझाऊंगा फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीरीज होते हैं वो या तो इंक्रीजिंग होते हैं या डिक्रीजिंग होते हैं। दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। जो पैटर्न होगा ना सीरीज का, या तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाएगा या वो डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाएगा, अपोजिट नहीं हो सकता। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है तो डी इज ग्रेटर देन जीरो, और अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है तो डी इज लेस देन जीरो। मेरा आपसे सवाल है, कैन डी और आर बी वन? कैन डी और आर बी वन? सर आई थिंक डी कैन बी वन बट आर कैनॉट बी वन। एनीवन एल्स? एक लड़के ने बोला है डी कैन बी वन बट आर कैनॉट बी वन। बहुत सही आंसर किया है कि भैया डी तो वन हो ही सकता है लेकिन आर वन नहीं हो सकता।
क्योंकि इफ आर इज इक्वल्स टू वन देन इट इज नोन एज कॉन्स्टेंट सीरीज. एग्जाम्पल 5.5.5.5. इसी सिचुएशन में आर वन आएगा. इसी सिचुएशन में आर वन आएगा. नोट इन अ कॉन्स्टेंट सीरीज डी इज जीरो आर इज वन. इन अ कॉन्स्टेंट सीरीज डी इज जीरो आर इज वन. बोलिए ये वाला पार्ट क्लियर है? यस सर. बट यही सिचुएशन यहां पर पॉसिबल है. व्हेन आर इज लेस देन जीरो, व्हेन आर इज लेस देन जीरो, अगर आपका कॉमन रेशियो नेगेटिव में आता है तब ये वाला जो चीज है वो पॉसिबल है, क्योंकि एक नेगेटिव में आएगा एक पॉजिटिव में आएगा. क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? अगर ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है. अगर आर वन से बड़ा है और यहां पर अगर आर जीरो और वन के बीच में है, तो अगर आर का वैल्यू वन से छोटा है तो मेरा डिक्रीजिंग सीरीज आएगा. वन से बड़ा है तो इंक्रीजिंग आएगा, और अगर आर नेगेटिव है तो वो सीरीज ऐसा ऐसा हो जाएगा. यहां तक क्लियर है? यस. यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज ऑफ एपी सीरीज. सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो जनरल टर्म का होता है. टीएन का मतलब होता है जनरल टर्म. बहुत सिंपल है. ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर ए इज द फर्स्ट टर्म. क्योंकि एन का मतलब समझाने का जरूरत नहीं है और डी सबको पता है कॉमन डिफरेंस है. डी इज टी एन माइनस टी एन माइनस वन. इसका मतलब एनी टर्म माइनस इट्स प्रिसीडिंग टर्म. एनी टर्म माइनस इट्स प्रिसीडिंग टर्म. एनी टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म. नेक्स्ट, एन का फॉर्मूला होता है एल माइनस ए
बाई डी प्लस वन वेयर एल इज द लास्ट टर्म, जहां पर एल को हम लोग लास्ट टर्म के नाम से जाना जाता है, जहां पर एल को लास्ट टर्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वी विल लर्न द फॉर्मूला ऑफ एस एन, सम अप टू एन सीरीज। एस एन का फॉर्मूला है एन बाई टू ए प्लस एल, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन ए एंड एल आर नोन। जब आपके पास में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिटेल होता है तो आप निकाल लेते हो। और एक फॉर्मूला है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलिए यहां तक क्लियर है? तब तो मैं आगे बढ़ूं। यस शैल वी मूव अहेड? यस सर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एमेट टर्म ऑफ एन एपी is p and nth term is q, अगर मेरे को दो टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, अगर मेरे को दो टर्म का वैल्यू दिया हुआ है तो d का फॉर्मूला हो जाएगा difference in the value by difference in the term, difference in the value by difference in the term। difference in the value by difference in the term, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा है, इफ एमएथ टर्म इज एन एंड एनएथ टर्म इज एम, देन डी इज इक्वल्स टू माइनस वन। बोथ दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दो अलग अलग टर्म का वैल्यू दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस आसानी से निकल जाएगा। अगर एक टर्म दूसरा टर्म का वैल्यू है और वही वाला टर्म पहले वाला का वैल्यू है, देन कॉमन डिफरेंस इज माइनस वन।
देन कॉमन डिफरेंस इज माइनस वन, देन कॉमन डिफरेंस इज माइनस वन, बोलिए। ठीक है, आगे बढ़े। यस, अब एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, स्टार्ट करते हैं, अगर एक ही टर्म है तो ए होगा, अगर दो टर्म है तो ए माइनस डी होगा और ए प्लस डी होगा, अगर तीन टर्म है तो बीच वाला टर्म ए होगा, इधर वाला ए माइनस डी, इधर वाला ए प्लस डी। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है ना, यहां पर डिफरेंस डी का है और यहां पर टू डी का है। इन केस ऑफ इवेन टर्म्स डिफरेंस 2d का लेते हैं अपने, और ऑड टर्म्स में डिफरेंस जो लेते हैं वो सिर्फ d का लेते हैं। ठीक है, तो मान ले अगर चार टर्म हुआ तो a माइनस डी, ए प्लस डी तो है ही, यहां पर a प्लस 3d आ जाएगा और यहां पर a माइनस 3d आ जाएगा। यही अगर पांच टर्म होगा तो बीच वाला टर्म ए, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये ए प्लस 2d होगा और ये माइनस 2d होगा। फोकस शुड बी ऑन द टर्म्स, फोकस शुड बी ऑन द टर्म्स, फोकस शुड बी ऑन द टर्म्स। अगेन यू ऑब्जर्व दैट वेन देर इज इवन टर्म्स 2d, वेन देर इज ऑड टर्म d। अल्टीमेटली इफ यू एड ऑल द टर्म्स यू विल गेट ए। इन ऑड सीरीज एंड एन ए इन इवन सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट, इफ यू एड ऑल द टर्म्स यू विल गेट ए इन ऑड सीरीज एंड एन ए इन इवन सीरीज। जोड़ के देखो, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? टू ए। हाँ या ना? सभी में तो वैसे ही होगा, तभी में वैसे ही होगा, एन ए ही आएगा। ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा हम लोग को, वेन एवर यू एड यू गेट एन ए। ठीक है, चलिए यहां पर ऐसे निकालिए, सबको ऐड किया ए आया, सबको ऐड किया टू ए आया, सबको ऐड किया 3a आया, सबको ऐड किया 4a आया, सबको ऐड किया 5a आया। तो आप देख सकते हैं Sn इज इक्वल्स टू
एन इज नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी सीरीज. एन इज नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी सीरीज. एन इज नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी सीरीज. बोलिए ये वाला क्लियर है? ये वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ये क्लियर है? यस. आप इमोजी भी दिखा सकते हैं, ताली भी मार सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगा तो हंस सकते हैं. हाँ बोलो सर. यहाँ पे ए हम एज अ फर्स्ट टर्म कंसीडर नहीं कर रहे क्या? नहीं, यहाँ पर ए को हम लोग मिडिल मोस्ट टर्म मान के चल रहे हैं. दो हो गया ना, एक आपका ए को फर्स्ट टर्म मानने, तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी लास्ट में जाएगा. तो एक्चुअली क्या होता है, अगर हम लोग नॉर्मल एपी का बात ले, नॉर्मल एपी ठीक है, तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी ऐसे करके करके लास्ट में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक हम लोग जाते हैं. ये नॉर्मल एपी हो गया. बट बहुत बार हम लोग को अजम्पशन लेना पड़ता है, तो अजम्पशन लेने के लिए हम लोग ये फॉलो करेंगे. अजम्पशन लेने के लिए हम लोग ये फॉलो करेंगे. ओके सर. ठीक है, आप जो बोल रहे हैं उसमें यहां पर ये टी वन हो गया, ये टी टू हो गया, ये टी थ्री हो गया और ये टी एन हो गया. ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, मान ले दो सीरीज है, सीरीज वन और सीरीज टू. कितना सीरीज है? दो सीरीज है, सीरीज वन सीरीज टू. ये भी एपी है, ये भी एपी है. अब इस दोनों के साथ अगर हम प्लस कर रहे हैं, यू आर एडिंग, ठीक है, यू आर एडिंग टू एपी सीरीज और यू आर सब्ट्रैक्टिंग टू एपी सीरीज, तो जो नया सीरीज बनेगा, जो नया सीरीज बनेगा वो भी एपी ही होगा. जो नया सीरीज बनेगा वो भी एपी ही होगा. बोलिए, दो सीरीज को आप प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो, तो जो नया सीरीज बनेगा वो एपी भी होगा और अगर आप एक एपी सीरीज को किसी भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ में प्लस करते हो, माइनस करते हो, डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, जो रिजल्ट सीरीज आएगा वो भी एपी में ही होगा. जो रिजल्ट सीरीज आएगा वो भी एपी में ही होगा. जो रिजल्ट सीरीज आएगा वो भी एपी में ही होगा. क्लियर? यस. If A, B, C
आर इन एपी देन बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, बोलिए सही लिखा या गलत लिखा हूं। इफ ए बी सी आर इन एपी देन बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, और टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, और बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई टू। इस बी को बोला जाता है अरिथमेटिक मीन, इस बी को बोला जाता है अरिथमेटिक मीन, इस बी को बोला जाता है अरिथमेटिक मीन। दिस बी इज नोन एज अरिथमेटिक मीन, दिस बी इज नोन एज अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब एक सवाल आएगा आपके पास में, आपको बोलेगा कि इंसर्ट एन एम्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी दो टर्म्स है, उसके बीच में यू हैव टू इंसर्ट एन एम्स, यू हैव टू इंसर्ट एन एम्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ए वन ए टू ऐसे करते करते ए एन तक जाएंगे और लास्ट बी हो गया, है ना। अगर एन ए एम इंसर्ट करना है हम लोग को ए और बी के बीच में, तो ए और बी तो मेरा एक्सट्रीम्स होगा और बीच में सारा अरिथमेटिक मीन आ गया, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया बी माइनस ए बाई एन प्लस वन, बी माइनस ए बाई एन प्लस वन, और एनथ अरिथमेटिक मीन हो गया ए प्लस, ए प्लस एन डी। ए प्लस एन डी, अगर कोई भी एक अरिथमेटिक मीन आ जा रहा है या डी आ जा रहा है तो बाकी सारा अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा ना। तुमको अगर स्पेसिफिकली पूछेगा फाइंड द सम ऑफ ओनली इंसर्टेड एम्स, मतलब बेसिकली दे आई वॉन्ट टू आस्क यू ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन, दे आर आस्किंग यू फॉर द सम ऑफ ओनली इंसर्टेड एम्स। फॉर्मूला विल बी एन बाई टू ए प्लस बी, एन बाई टू ए प्लस बी, एन बाई टू ए प्लस बी। और अगर तुमको पूछ देगा फाइंड द सम, तो ऑफ ऑल टर्म्स तो एन प्लस टू बाई टू
ए प्लस बी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर तुमको खाली एम का सम पूछेगा तो एन बाई टू ए प्लस बी, अगर तुमको पूरा एंटायर सीरीज का एम पूछ दिया तो एन की जगह एन प्लस टू आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके बाद हम लोग सम करेंगे, इफ ए बी सी आर इन एपी देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन यूज ए वन बी टू सी थ्री। इफ ए बी सी आर इन एपी देन वी विल यूज ए वन बी टू सी थ्री। सिमिलरली इफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन एपी देन यूज ए एज वन बी एस फाइव सी एस सेवन। यूज ए एज वन बी एस फाइव सी एस सेवन। तो ए स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा वन, बी स्क्वायर हो जाएगा 25, सी स्क्वायर हो जाएगा 49। डिफरेंस कैलकुलेट कर लो 24। इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, तो ए को वन यूज करना है, बी को फाइव यूज करना है और सी को सेवन यूज करना है। ए को वन, बी को फाइव और सी को सेवन। बोलिए, यहां तक एनीवन हैज एनी क्वेरी? इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एपी क्या किसी को कोई क्वेरी है? शैल वी मूव अहेड? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? हाँ या ना? चलिए, आपके साइलेंस में हम ये समझ लेते हैं कि आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। हमको nth एलिमेंट निकालने बोले या हमको लास्ट टर्म निकालने बोले या हमको टीएन बोले, ऑल द सेम। तो बोल रहा है 1, 3, 5, 7 का nth एलिमेंट निकालो। तो पहला बात तो आपको बताना पड़ेगा सीरीज कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं आप क्या चेक करेंगे, सीरीज कौन सा है। एपी का है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो टू का है और टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हुआ हमारा पहला टर्म और डी हुआ हमारा टू। सॉल्व करके आएगा 2n+1-2। तो फाइनली जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2n-1। जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2n-1। अगला सवाल,
टीएन दे दिया है, एन स्क्वायर माइनस टू एन। अब बोल रहा है फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो क्या होगा? टी वन, वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन, वन माइनस टू माइनस वन। वैसे ही सिमिलरली आपको क्या निकालना पड़ेगा, टी टू, टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू, फोर माइनस टू इज टू। सिमिलरली क्या निकालना है आपको, टी थ्री, थ्री का स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री, नाइन माइनस सिक्स थ्री। तो मेरा आंसर क्या हुआ, माइनस वन कॉमा टू कॉमा थ्री। सर, हाँ हाँ बोलो सर सेकंड टर्म विल बी जीरो, क्या। सेकंड टर्म विल बी जीरो। हाँ सॉरी, फोर माइनस फोर है ना, तो जीरो आएगा। ठीक है, मेरा आंसर होगा माइनस वन कॉमा जीरो कॉमा थ्री। नेक्स्ट, अब बोल रहा है विच टर्म ऑफ द सीरीज 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस डॉट 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 इज 403। विच टर्म ऑफ द सीरीज 7 11 15 प्लस डॉट 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 इज 403। सबसे पहले सीरीज कौन सा है सर, एपी। क्यों? क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कॉमन है। ठीक है सर, थोड़ा सा पन्ना घुमाएंगे तो एन का फॉर्मूला लिखा हुआ था, एल माइनस ए बाई डी प्लस वन। यहां पे 403 को लास्ट टर्म माना जाएगा, ए पता है डी भी पता है। सॉल्व करो, ए पता है डी भी पता है, कितना आएगा? सबका 100 हंड्रेड आ रहा है। बोलिए, 396 डिवाइडेड बाई 4। प्लस वन 99 प्लस वन 100। ठीक है, यहां तक पक्का? बोलिए, चलिए इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। ओके, बाय सर। चलिए बाय।